इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स जगत हो या फिर राजनीति के आड़े हो, हर जगह इस वक्त साल 2020 ने जो मुश्किलें खड़ी की हैं बहुत तकलीफ दे है। जैसा कि आप जानते ही हैं, बीजेपी के एक पूर्व एमएलए का निधन हाल ही में हुआ और अब एक और, जी हाँ, स्वामी का निधन हुआ, जिसके बाद अब एक और निधन की खबर आई है। इस बार बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी की वजह से योगी आदित्यनाथ को लगा है, भारतीय जनता पार्टी को लगा है। लखनऊ से ये खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सादर के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के उत्तर प्रदेश के जनमेजय सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कार्डिक अरेस्ट की वजह से उन्होंने अंतिम सांस लखनऊ की ही देर रात ली। सिर्फ 75 साल की उम्र में उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। 75 साल की उम्र में डॉक्टरों ने उनका इलाज किया तो डॉक्टर राम मनोहर लाल इंस्टीट्यूट ने स्टेटमेंट दिया, एमएलए ने इंस्टॉलेशन ऑफ पीस मेकर के दौरान अंतिम सांस ली। बात की जाए अगर जनमेजय सिंह के बारे में तो कहा जा रहा है कि पहले सिविल हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया था, फिर लोहिया इंस्टीट्यूट में उन्हें ले जाया गया और वहां उनकी स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। एमएलए को कार्डिक अरेस्ट हुआ, इंस्टॉलेशन जो होता है पेसमेकर का, उसके दौरान उनका निधन हो गया। डॉक्टर विक्रम सिंह ने ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के। स्टेटमेंट देते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी उनके गुजरने पर शोक जताते हुए कहा, जनमेजय सिंह एक ऐसे शख्स थे जो बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति लगन और मेहनत से डिवोटेड पब्लिक फिगर बने, बहुत मेहनती थे। कंस्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा काम करते थे, गरीबों के लिए, कमज़ोर क्षेत्र के लिए, समाज के लिए वो काम किया करते थे। ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है उस समय के लिए जो कि हमारे लिए तकलीफ दे अभी बना हुआ है। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जनमेजय सिंह के आकस्मिक निधन की खबर सुनकर शोक हुआ। योगी आदित्यनाथ ने यह लिखकर कहा, श्री सिंह के निधन से पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता तथा जनता ने अपना सच्चा हितैषी खो दिया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान मिले, ओम शांति। ये ट्वीट कर योगी आदित्य ने शोक जताया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।